नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ एनपी सिंह हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार बहुजनों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच जी। एनपी सिंह जी, लगातार आप बुद्धिज्म पे बात करते हैं, अम्बेडकरवाद पे बात करते हैं, तो किस तरीके से बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा ये बताएं जी। थैंक यू वेरी मच जी। तो पहली बात यह है कि बाबा साहब को समझने के लिए उन्होंने उनकी ज़िंदगी जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा उन्होंने कहा कि अंत में कहा कि अगर मेरे ज़िंदगी को समझना है तो मेरा अंतिम संदेश यही है कि मेरे जीवन का जो संघर्ष है उसको समझा जाए जी। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन का संघर्ष है, जिन हालातों में उन्होंने अध्ययन किया और आंदोलन को चलाया उन्होंने, अगर हम देखें तो अगर हम भी उसी रास्ते से चलते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर उनके सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहले उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की बात करें, पढ़ने लिखने में उन्होंने अपना समय लगाया प्रॉपर। और मुझे एक वाक्या याद आता है उनका, उन्होंने साहू महाराज को एक पत्र लिखा 1917-18 में जी। तो जब वो लंदन में पढ़ने के लिए गए थे तो साहू महाराज ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जी। कि मैं एक नवयुवक को भेज रहा हूँ और आप उनको समय दीजिए। और उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आने वाली थी जी। तो उनको, बाबा साहब को वो 50 पाउंड का हिसाब किताब लगा कर गए थे कि 2 साल का मेरा खर्चा निकल जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से वो पैसे कम पड़े। तो उन्होंने लोन मांगा था साहू महाराज से और उस पत्र में लिखा है कि आप मुझे अपना मित्र कहते हैं तो उस मित्र के नाते मैं आपसे 100 पाउंड का जो है ना लोन मांग रहा हूँ और मैं आने के बाद आपको वापस करूँगा। और उसके बाद उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मुलाकात की, आधा घंटे का लगभग उन्होंने समय दिया मुझे। और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप भारत जाइए, अपना समय यहाँ व्यर्थ मत कीजिए और मैं अपनी सरकार को आदेश देता हूँ भारत में कि आपको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाएगी वो, और आपके समाज से जो भी नीतिगत निर्णय है महत्वपूर्ण जो सरकार लेगी वो आपसे सलाह मशवरा करके लेगी जी। तो बाबा साहब ने लिखा है कि हाउएवर इट सीम्स वेरी टेम्प्टिंग, कि ये लगता है कि मैं चला जाऊं, किसी भी आदमी को लगेगा सरकार अगर इतना महत्व दे उसको और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दे, फिर आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है या अनटचेबल कम्युनिटी जो कहा जाता था। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे और अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद मुझे समझना है चीज़ों को, ताकि मैं आने वाले समय में देश की और समाज की बेहतर सेवा कर सकूँ। तो पहली बात तो हमें सीख है उनके जीवन से कि अगर हमें अध्ययन अगर रथ हो, हमें समझना चाहिए पहले चीज़ों को, तब चीज़ों को करने के लिए आगे आना चाहिए। फिर वो वापस आए, साहू महाराज ने उनकी बहुत मदद की। तो उन्होंने 1924 में एक संगठन बनाया, हालांकि 1919 से सार्वजनिक जीवन में आ चुके थे वो, साउथ बोरो कमेटी को उन्होंने अपना साक्ष्य दिया और फिर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जी। तो उसी में उन्होंने ये हमें सूत्र दिया, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज वाला जी। फिर उन्होंने 30 के बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 35 के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फिर 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और 55 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। तो आप देखेंगे तो उनका दायरा क्या है, बढ़ता जा रहा है, इंडिपेंडेंट लेबर से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर अगर हम उनके पत्रों को अगर देखें तो उन्होंने सबसे पहले निकाला था मूक नायक जी, फिर मूक नायक के बाद उन्होंने निकाला था ठीक है जनता, फिर उन्होंने प्रबुद्ध भारत करके निकाला। तो उस फील्ड में भी देखते हैं तो प्रोग्रेस कैसे है ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया पहला, फिर राजनीतिक पे गए और फिर उन्होंने लास्ट में 1956 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि अगर जीवन में हम कुछ काम करते हैं तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के विचारों का, उन्हीं का जो दिया हुआ दर्शन है, उन्हीं के जो विचार हैं, उस पर जिन जिन लोगों ने उनको अपनाया अपने जीवन में और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो जीवन में आगे बढ़े हैं। बाद में माननीय कांशीराम साहब ने इस बात को समझा जी। तो उन बाबा साहब का एक सपना था 1948 में कि हमारा, अगर हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निराकरण करना है तो उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए, एक विचारधारा चाहिए और एक राष्ट्रीय प्रोग्राम चाहिए। इस बात को कांशीराम साहब ने समझा तो उन्होंने पहले बामसे बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर BSP की स्थापना की और आज BSP राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है
बहुजनों का एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके बैनर तले समाज को दिशा देने का, उसको शिक्षित करने का, उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो है ना चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनका सपना था कि ये भारत जो है ना प्रबुद्ध भारत होना चाहिए। प्रबुद्ध भारत में और बुद्ध भारत में फ़र्क है जी। प्रबुद्ध जो भारत है वो है स्पिरिचुअल, कि उसमें हर व्यक्ति क्या हो, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल अटेनमेंट हो उसका। और बुद्ध होना जो वो थोड़ा राजनीतिक है। अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे, 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं बुद्ध धर्म की शरण में जाऊंगा, और बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी प्रबुद्ध भारत करके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कैसा हो, एनलाइटेंड इंडिया चाहता हूँ। उन्होंने बुद्धिस्ट इंडिया नहीं कहा, क्या कहा, एनलाइटेंड इंडिया। सो बिकमिंग ए बुद्धिस्ट इज पॉलिटिकल एंड बिकमिंग एनलाइटेंड स्पिरिचुअल। तो अल्टीमेट जो यात्रा है, जो अंतिम इस देश को जो बाबा साहब जहाँ ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में हम तभी बढ़ सकते हैं जब उनकी जीवन को समझें, उनके विचारों पर चलें, उनका अनुकरण करें। और जिस तरह उन्होंने अध्ययन किया, समझा, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, समाज के प्रति लगाव रखा उन्होंने, हमें भी अगर उस तरह का चरित्र अगर हम अपने अंदर उतारें तो हम उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि महापुरुष का सपना पूरा करने के लिए आपको उसके जैसे चरित्र की भी आवश्यकता है। और चरित्र इसलिए भी ज़रूरी है, ये बात इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई है। 1920 की ये बात है, साहू जी महाराज उस समय आंदोलन चला रहे थे और साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर को क्या करते थे, ले के चलते थे साथ में लोगों के सामने। तो उन्होंने 1920 में एक परिषद हुआ था, उसमें अपने समाज के जो नवयुवक हैं खासकर, उनके चरित्र को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने। उन्होंने कहा हमारा जो समाज है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, उसका जो नवयुवक है, उसका जो चरित्र है ना, वो झगड़ालू और ईर्ष्यालु है जी। लेकिन हमें बहुत इम्पोर्टेंट राजनीतिक अधिकार मिलने वाले हैं कि हम सरकार में भागीदारी करेंगे, सरकारें बनाएंगे, सरकारें चलाएंगे, और हो सकता है सरकारों को चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर आए। तो ऐसे चरित्र से हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं जी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो चरित्र कैसा होना चाहिए, प्रेमपूर्ण और विवेकशील। और वो लोगों से कहते थे अगर आपको अपने आदर्श के रूप में देखना है तो आप डॉक्टर अंबेडकर को देख सकते हैं। उनका जो चरित्र है वो क्या है, प्रेमपूर्ण है और विवेकशील है, विवेक से काम लेते हैं। और बाबा साहब ने इन्हीं दो अपने गुणों पे, चरित्र के गुणों पर उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई जो आज पूरा देश या दुनिया उनको अपने आदर्श के रूप में देखता है। तो अगर हम बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं अपने आप को या मानते हैं कि हम अम्बेडकराइट हैं, तो हमें इस बात पर बहुत ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अपने चरित्र को किस तरह से बनाना है, उनका जो चरित्र है उसका कुछ अंश हमें किस तरह से अपने अंदर में उतारना है। अगर हम इस गुणों को अपना लें तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और दुनिया को भी रास्ता दिखाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे आज पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में जाना जाता है, तो वो इसीलिए जाना जाता है कि एक खास चरित्र उनका था, जिसके उनके विरोधी भी क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, या उनके चरित्र से उनके विरोधी भी डरते थे जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।